Now, today we will discuss remaining questions of NCERT exercise 3.3. So, 16th question of this exercise is prove that cos of 9x minus cos of 5x over sin 17x minus sin 3x is equal to minus of sin 2x over cos 10x. Now, this is the left hand side. This one is. Now, here apply cos C minus cos D. Cos C minus cos D. स्टूडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं cos C माइनस cos D तो क्या फार्मूला है आपका माइनस टू साइन C प्लस D बाय टू cos C माइनस D बाय टू. सो हेयर 9x इज आपका C एंड 5x इज D एंड नीचे आपका स्टूडेंट फार्मूला बनेगा sin C माइनस sin D. सो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फार्मूला था साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू. हेयर सी इज 17 एंड डी इज 3x. सी 17x एंड डी इज 3x. सो अप्लाई कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन C प्लस डी बाय टू साइन C माइनस डी बाय टू. ठीक है स्टूडेंट. एंड साइन C माइनस साइन D मीन साइन 17x माइनस साइन 3x. 2 कॉस C प्लस डी बाय टू साइन C माइनस डी बाय टू. ठीक है स्टूडेंट. दिस वन इज C एंड दिस वन इज D. This one is C and this one is D. Apply CD formula. So, minus 2 sin 9x plus 5x 14x by 2 17x 9x minus 5x 4x by 2 2x 17x plus 3x 20x by 2 cos 10x 17x minus 3x 14x by 2 7x. So, this sin 7x and sin 7x cancel. So, answer kya aa gaya? माइनस ऑफ साइन 2x ओवर cos 10x. माइनस ऑफ साइन 2x ओवर cos 10x. ये स्टूडेंट हमने क्या करना था प्रूव करना था. दिस इज द राइट हैंड साइड माइनस साइन 2x ओवर cos 10x और ये हमने प्रूव कर दिया है. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x ओवर cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x. सो अप्लाई सी डी फार्मूला स्टूडेंट. यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी. हेयर 5x इज सी एंड 3x इज डी. सो साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला आपका स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी. साइन सी प्लस साइन डी क्या फार्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाय टू कॉज सी माइनस डी बाय टू. ठीक है स्टूडेंट. अप्लाई कीजिए साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉज सी माइनस डी बाय टू. ठीक है स्टूडेंट. ये वाला फार्मूला आपका टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू. एंड नीचे आपका क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी. क्या फार्मूला स्टूडेंट आपका कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉज सी प्लस डी बाय टू कॉज सी माइनस डी बाय टू. सो हेयर कॉस सी प्लस कॉज डी सी इज अ 5x एंड डी इज अ 3x. टू कॉज सी प्लस डी बाय टू एंड अगेन कॉज सी माइनस डी बाय टू. ठीक है स्टूडेंट. एंड 5x प्लस 3x 8x बाय टू आपको कितना आएगा साइन 4x 5x माइनस 3x 2x बाय टू cos x. अगेन यहाँ पे cos 5x प्लस 3x बाय टू cos 4x 5x माइनस 3x बाय टू cos x cos x. और ये आपका 2 एंड 2 क्या हो गया स्टूडेंट आपका कैंसल. क्या आ गया sin 4x cos x cos 4x cos x. और ये आपका cos x क्या हो गया कैंसल. एंड sin 4x ओवर cos 4x क्या आ गया आपका sin ओवर cos क्या हो गया tan 4x. और यही आपकी राइट हैंड साइड थी. होगी स्टूडेंट प्रूफ समय लग गई. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 साइन एक्स माइनस साइन वाई ओवर कॉज एक्स प्लस कॉज वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय टू.
सो अप्लाई हेयर साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला स्टूडेंट आपका साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला था टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। तो यहां पे अप्लाई कीजिए टू, ये आपका टू ये वाला, फिर कॉस और ये कॉस, ये आपका सी है यहां पे एक्स और डी के आपका वाई, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है स्टूडेंट। सो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या आ गया टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, दिस एक्स इज सी एंड दिस वाई इज डी, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। एंड नीचे क्या स्टूडेंट आपका कॉस एक्स प्लस कॉस वाई कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट आपका टू कॉस सी प्लस डी बाय टू एंड कॉस सी माइनस डी बाय टू। सो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आ गया टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है स्टूडेंट। ये टू एंड टू क्या होगा स्टूडेंट आपका कैंसल, कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस एक्स वाई एक्स प्लस वाई बाय टू भी क्या हो गया कैंसल, रिमेनिंग आपका क्या बच गया स्टूडेंट आपका साइन एक्स माइनस वाई बाय टू ओवर कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू, ये आपका बच गया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय टू ओवर कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाय टू, साइन ओवर कॉस क्या होगा स्टूडेंट आपका टैन, क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस वाई बाय टू एंगल जो है वो क्या है दोनों में डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में क्या है सेम है, सो टैन ओवर साइन ओवर कॉस क्या आ गया आपका टैन, क्या आ गया टैन ऑफ एक्स माइनस वाई बाय टू, ये स्टूडेंट प्रूव करना था। सो 18th क्वेश्चन इज ओवर। नाउ 19th क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू टैन टू एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका एक्स क्या है यहाँ पे सी और थ्री एक्स क्या है यहाँ पे डी, सबसे पहले ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन सी प्लस साइन डी, सो एक्स इज ए सी एंड थ्री एक्स इज ए डी, साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक है स्टूडेंट। एंड नीचे कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स ये आपका सी है और ये क्या आपका डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या फॉर्मूला है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू मीन्स एक्स प्लस थ्री एक्स बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स बाय टू, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या आ गया एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स बाय टू क्या आ गया टू एक्स साइन टू एक्स, ये आपका टू एंड टू क्या हो गया कैंसल, और एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स बाय टू क्या आ गया माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, अगेन यहाँ पे एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स बाय टू कितना आ गया कॉस ऑफ टू एक्स, एक्स माइनस थ्री एक्स कितना आ गया माइनस टू एक्स ओवर टू माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो गया एंड स्टूडेंट आपका क्या बचा साइन टू एक्स ओवर कॉस टू एक्स, ये एंगल आपका सेम है टू एक्स, तो साइन ओवर कॉस क्या होता है टैन, साइन टू एक्स ओवर कॉस टू एक्स क्या आ गया आपका टैन टू एक्स, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। सो 19th क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप एक्चुअली हम क्या करते हैं स्टूडेंट बिगर एंगल पहले लिखते हैं स्मॉलर एंगल बाद में लिखते हैं, यहाँ से हमने माइनस साइन क्या किया कॉमन निकाल लिया, सो यहाँ से माइनस साइन ये वाला कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स, एंड यहाँ से भी स्टूडेंट हमने माइनस साइन क्या किया बाहर निकाल लिया क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ताकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले बना सकें। सो क्या आ गया आपका ये माइनस माइनस क्या हो गए कैंसल, क्या आ गया साइन ऑफ थ्री एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट सी डी फार्मूले में ये जो आपका सी आपने लेना है ये क्या लेना है ग्रेटर देन डी, ठीक है स्टूडेंट। आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन आपको करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, थोड़े स्टेप्स कम हो जाते हैं। सो ये माइनस माइनस आपके कैंसिल हो गए साइन क्या बचा साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ये 3x आपका c है और यहाँ पे x आपका क्या है d, सो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला था टू कॉस सी प्लस डी बाय टू मीन्स थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू
तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन ऑफ 3x माइनस एक्स बाय 2। ये स्टूडेंट आपका डायरेक्ट फार्मूला है कॉस टू थीटा का, क्या फार्मूला था कॉस टू थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या फार्मूला था, कॉस 2x का डबल एंगल फार्मूला। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, कॉस 2x। और ये साइन 3x माइनस साइन एक्स में हमने सीडी फार्मूला अप्लाई कर दिया, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 मीन 3x प्लस एक्स बाय 2, साइन सी माइनस डी बाय 2 मीन साइन ऑफ 3x माइनस एक्स बाय 2। अब 3x प्लस एक्स 4x बाय 2 कितना आ गया, कॉस ऑफ 2x। 3x माइनस एक्स कितना आ गया, 2x बाय 2 कितना आ गया, x। एम क्या आ गया स्टूडेंट आपका, 2 कॉस 2x साइन ऑफ x ओवर कॉस 2x। ये आपका कॉस 2x कॉस 2x क्या हो गया, कैंसिल। बाकी क्या बच गया स्टूडेंट आपका, 2 साइन x, 2 साइन x। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, हो गया प्रूव। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x एंड नीचे साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। इस रेशो का हमें क्या प्रूव करना है, इज इक्वल टू कॉट 3x। अब स्टूडेंट एक आपका 4x और एक आपका 2x, ये ले लो स्टूडेंट, ये दोनों क्या है, इवन नंबर। हमने ऐसा इसलिए क्या किया था कि 4x प्लस 2x बाय 2, ये अगर इवन नंबर होगा तो स्टूडेंट हमें सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगी। 6x बाय 2 कितना आ जाएगा, 3x। ऐसे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो ट्रिक लगाने के लिए हमने यहाँ में क्या किया, 4x इवन नंबर्स को पहले ले लिया। सबसे पहले बड़ा एंगल लेना है, बड़ा एंगल यहाँ पे क्या स्टूडेंट, कॉस 4x। मैंने पहले आपको कहा जो सी है वो आपने क्या लेना है, सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन में कोई आपको चेंज नहीं आएगी। अगर आप वैसे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने कॉस 4x प्लस कॉस 2x ही लेना है, कॉस 4x प्लस 3 कॉस 3x भी ले सकते हो, लेकिन स्टूडेंट वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। सो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे बड़ा एंगल ले लिया, बड़ा एंगल क्या है, कॉस 4x। अब दूसरा हमने वो लिया जो 4x के साथ क्या बने, इवन नंबर बने। सो 4x प्लस 2x क्या आ गया, 2 इंटू 3x। ठीक है स्टूडेंट, ताकि वो 2 आपका कट जाए, और ये आपका कॉस 3x बाहर है स्टूडेंट, ये वाला प्लस कॉस 3x। यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, बिगर एंगल क्या स्टूडेंट आपका 4x, तो ये हमने साइन 4x ले लिया। अब 4x प्लस 3x तो ऑड नंबर बनेगा, तो 4x प्लस 2x क्या बनेगा, इवन नंबर। सो डेट से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, साइन 4x प्लस साइन 2x, और ये आपका साइन 3x क्या है, ये आउटसाइड द ब्रैकेट है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपका जो 4x है वो क्या है, सी, और 2x क्या है आपका, डी, और कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला था, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 मीन्स 4x प्लस 2x बाय 2, कॉस सी माइनस डी बाय 2 मीन्स 4x माइनस 2x बाय 2, प्लस ये आपका कॉस 3x ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, और साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला है, 2 साइन, ये आपका सी है और ये आपका क्या है, डी, दिस इज सी दिस इज ए डी। सो साइन सी प्लस डी बाय 2 4x प्लस 2x बाय 2, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, कॉस सी माइनस डी बाय 2 मीन्स कॉस 4x माइनस 2x बाय 2, और ये आपका साइन 3x एज इट इज, एज ये रहा आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब 4x प्लस 2x कितना आएगा, 6x बाय 2 कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 3x, 4x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 2x बाय 2 कॉस x, प्लस आपका ये कॉस 3x। और नीचे भी ऐसे ही 4x प्लस 2x 6x बाय 2 साइन 3x, और 4x माइनस 2x बाय 2 कितना आ जाएगा, x कॉस x, और ये आपका साइन 3x, ये एज इट इज एज ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट, टेकिंग कॉस 3x कॉमन फ्रॉम बोथ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर स्टूडेंट, यहाँ से कॉस 3x ये रहा और कॉस 3x ये रहा, ये हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बच गया, 2 कॉस x प्लस 1, 2 कॉस x प्लस 1। नीचे से हमने क्या कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट आपका, साइन 3x, ये रहा साइन 3x, साइन 3 नीचे से कॉमन आ गया। बाकी क्या बच गया, 2 कॉस x प्लस 1, 2 कॉस x प्लस 1, ये आपका 2 कॉस x प्लस 1 क्या होगा स्टूडेंट, कैंसिल। और बाकी आपका कॉस ऑफ 3x ओवर साइन ऑफ 3x, एंगल सेम है 3x 3x, तो कॉस ऑफ 3x ओवर साइन ऑफ 3x क्या आ गया आपका, कॉट ऑफ 3x। और यही हमने स्टूडेंट क्या करना था, प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से करना है सिर्फ आपने, लगे पता, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, प्रूव डैट कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट कैसे लिख लो, 2x प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहाँ पे कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कॉट ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था, कॉट ए कॉट बी माइनस वन ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका क्या है ए और ये आपका क्या है बी, क्या फॉर्मूला था कॉट ए कॉट बी मीन्स कॉट टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला कॉट ए प्लस बी का। ये आपका टू एक्स ए है और एक्स आपका क्या है बी, कॉट ए कॉट बी मीन्स कॉट ऑफ टू एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस वन ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए मीन्स कॉट एक्स प्लस कॉट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो कॉट थ्री एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, कॉट एक्स के साथ, कॉट थ्री एक्स, ये सारा स्टूडेंट आपका कॉट एक्स प्लस कॉट टू एक्स पहले उधर चला गया, ये हमने ये लिख लिया, ये इधर चला गया स्टूडेंट, एंड इधर क्या बच गया राइट हैंड साइड पे कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए क्या आएगा, कॉट ऑफ थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ये वाला प्लस कॉट ऑफ थ्री एक्स इंटू कॉट ऑफ टू एक्स, ये आपका आ गया इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट आपका कॉट ऑफ टू एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस वन, ये वाला एज इट इज हमने ऐसे लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करो इन सबको कॉट ऑफ एक्स, इन सबको स्टूडेंट आप इधर ले जाओ इस वाली साइड पे ले जाओ और इस माइनस वन को इधर ले जाओ इस वाली साइड पे, तो क्या होगा स्टूडेंट आपका ये माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वन, ये आपका प्लस वन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये सारा इधर आ गया था, इधर क्या था कॉट ऑफ टू एक्स इंटू कॉट एक्स, ये रहा आपका कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ टू एक्स, ये इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस कॉट ऑफ टू एक्स इंटू कॉट ऑफ थ्री एक्स, ये रहा ये इधर चला गया माइनस कॉट ऑफ थ्री एक्स इंटू कॉट ऑफ टू एक्स, ये भी इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट आपका वन। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप माइनस वन इधर ले जाओ ये प्लस हो गया और ये दोनों टर्म्स जो हैं इधर आगे क्या हो जाएंगी नेगेटिव, और ये आपका एज इट इज एज कॉट ऑफ टू एक्स कॉट एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंगली हम माइनस वन को उधर ले गए थे वो प्लस हो गया और ये दोनों टर्म्स इधर आगे क्या हो जाएंगी माइनस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, प्रूव डैट टेन ऑफ फोर एक्स इज इक्वल टू फोर ऑफ टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन फोर एक्स। अब स्टूडेंट डबल एंगल फार्मूला क्या था आपका टेन टू थीटा, टेन टू थीटा क्या होगा टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा। अब स्टूडेंट थीटा की जगह क्या आ गया आपका टू एक्स, टेन टू इंटू टू एक्स क्या आ गया टेन फोर एक्स, तो क्या आ गया थीटा क्या यहाँ पे आपका टू एक्स, क्या आ गया टू टेन टू एक्स ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर 2x, डबल एंगल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 4x है और यहाँ पे क्या आ जाता है हाफ, जैसे ये आपका 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाता है थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 4x था तो यहाँ क्या आ जाना है 2x एंड 2x 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे फिर से डबल एंगल फार्मूला लगा दो आप tan 2x का, tan 2x क्या है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये आपका स्क्वायर ये बाहर है ये रहा स्क्वायर, और tan 2x का फार्मूला क्या है इस tan 2x का फार्मूला यहाँ पे लगा दो 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है स्टूडेंट, डबल एंगल फार्मूला tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब 2 एंड 2 क्या हो गया 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये रहा 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर नीचे क्या आ गया स्टूडेंट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 tan x का स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर x, सो 4 tan स्क्वायर x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या होगा होल स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से एलसीएम ले लो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और नीचे से ये एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएंगे और ये आपकी एक 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स टर्म का चली जाएगी ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर क्या है 4 टेन एक्स
और ये एक टर्म आपकी 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स ऊपर चली गई, और एक इसके साथ क्या हो गया था कैंसल, और ये 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इधर भी चला जाएगा, ये क्या आ गया 1 माइनस टू टैन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टैन 4 एक्स। फिर से मैं आपको करके बता देता हूँ स्टूडेंट, 4 टैन एक्स ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया 4 टैन एक्स ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट ये एलसीएम ये इधर चला जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अभी एक 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स क्या हो गया इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा 4 टैन एक्स इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स ये आ गया, और ये इधर जाके इसका स्क्वायर इधर हो गया, क्या आ गया स्क्वायर 1 प्लस टैन 4 एक्स माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स, और बाकी ये बचा हुआ है माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल कैलकुलेशन है आप करके देख लो, तो 4 टैन एक्स इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स एज इट इज एस, अब माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स क्या आ गया माइनस 6 टैन स्क्वायर एक्स, और ये आपका प्लस टैन रेस टू पावर 4 एक्स ये रहा आपका। ठीक है स्टूडेंट, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, इस सिंपल ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो यही आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, प्रूव डैट कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट ये हमारा फार्मूला है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे अब a की वैल्यू कितनी है 2x, बिकॉज हमने क्या निकालना है 4x। अब कॉस 4x का क्या फार्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, डबल एंगल फार्मूला स्टूडेंट, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 4 थीटा क्या होगा स्टूडेंट आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाना है 2 थीटा, यहाँ पे अगर 2 थीटा होगा तो यहाँ पे हाफ एंगल थीटा, यहाँ पे अगर 4 थीटा होगा तो यहाँ क्या आएगा 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, सो कॉस ऑफ 4x क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब अगेन यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका स्क्वायर ये वाला, अब यहाँ पे किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने साइन ऑफ 2x का, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं साइन 2 थीटा क्या था स्टूडेंट आपका साइन 2 थीटा हाफ एंगल में साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आपका जो स्क्वायर था वो ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या प्रूव हो गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉस 6x इज इक्वल टू 32 कॉस रेस टू पावर 6x माइनस 48 कॉस रेस टू पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अगेन कॉस 2 थीटा के स्टूडेंट तीन फार्मूले थे, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट आपका कॉस 6x, अब यहाँ पे 2 थीटा था तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया थीटा हाफ एंगल, अब यहाँ पे 6x होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1। स्टूडेंट हमने ये कॉज ही क्यों लिखा यहाँ पे फार्मूला, साइन वाला क्यों नहीं लिखा पीछे, साइन वाला क्यों लिखा था स्टूडेंट यहाँ पे कॉज वाला इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्रूव में क्या करना है स्टूडेंट सारे कॉस चाहिए, हमें क्या चाहिए सारे कॉस चाहिए, तो कॉस 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर 6x होगा सॉरी 6 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 थीटा हाफ, अगर यहाँ पे 2 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा थीटा, यहाँ पे 6 थीटा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 थीटा। अब कॉस 6x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया स्टूडेंट 6x का हाफ 3x माइनस 1, फॉर्मूला क्या है कॉस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, अब तो कॉस 6x क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका स्क्वायर ये वाला माइनस 1 आपका ये वाला है 2 आपका
आपका स्टूडेंट ये वाला है और बाकी का बच गया आपका स्टूडेंट कॉज ऑफ 3x, और कॉज ऑफ 3x का स्टूडेंट हम ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, कॉज 3 थीटा इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा, कॉज 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉज क्यूब थीटा माइनस 3 कॉज थीटा। सो कॉज ऑफ 3x का क्या फॉर्मूला आ गया 4 कॉज क्यूब एक्स माइनस 3 कॉज एक्स, और इसका ये आपका परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट, कॉस 3x का क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस 3x का 4 कॉज क्यूब एक्स माइनस 3 कॉज एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और क्या करो इसका स्क्वेयर, ए स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर 16, कॉस क्यूब एक्स का स्क्वेयर कितना होगा कॉस 6x, प्लस बी स्क्वेयर ये आपका 3 का स्क्वेयर क्या आ गया 9, कॉस एक्स का स्क्वेयर क्या होगा कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2ab, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, ए बी कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कितना आ जाएगा कॉस 4x। ठीक है स्टूडेंट, इसकी स्केयरिंग कर दीजिए इस टर्म की, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का स्केयर कर दीजिए क्या आ जाएगा 16 कॉस 6x माइनस 2ab माइनस 3 इंटू 4 12 इंटू 2 माइनस 24 कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस 4x, और माइनस 3 कॉस एक्स का स्केयर क्या होगा प्लस 9 कॉस स्केयर एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 16 इंटू 2 कितना आ गया 32 कॉस 6x, 2 इंटू 24 माइनस 48 कॉस 4x, 2 इंटू 9 18 कॉस स्केयर एक्स, और ये आपका माइनस 1, और यही हमने स्टूडेंट प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव हो गया आपका। नाउ स्टूडेंट, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 3.4 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक।